दोस्तों नवंबर 2021 में हम आपको 36 रुपीस का एक पेनी स्टॉक रेकमेंड किए थे जिसकी करंट वैल्यू 236 रुपीस है, यानी सिर्फ एक साल में इस पेनी स्टॉक ने 800% का रिटर्न्स दिया है। पहले इस पेनी स्टॉक का नाम एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड था, अब इसकी नाम चेंज होकर मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 और पेनी स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड की तरह मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स के वैल्यू 50 रुपीज से कम है, आरओई एंड आरओसी 15% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, प्रमोटर होल्डिंग 45% से ज़्यादा है, यानी ये सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। आप इन शेयर्स में सिर्फ 1000 रुपीस इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये पेनी स्टॉक्स हाईली रिस्की होते हैं, इसमें प्रॉफिट जैसे होता है लॉस भी वैसे ही होता है, इसीलिए आप ये सब पेनी स्टॉक में उतना पैसा इन्वेस्ट करें जितना अगर जीरो भी हो जाता है तो आपके लाइफस्टाइल में कोई फर्क ना पड़े। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आपको कितना भी भरोसा क्यों ना हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी सिंथेटिक यार्न एंड टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 2029 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 45 रुपीस है, जबकि इसकी हाई 71 रुपीस है, यानी ये स्टॉक अपनी हाई से ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी आरओसी 35.3% एंड आरओई 32.7% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 373 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 245 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 217 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, यानी ये कंपनी अपने डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है। इसकी डेप्ट टू इक्विटी 0.35 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 64.8% है। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है अजंता सोया लिमिटेड। अगर आप हमारा रेगुलर व्यूअर है तो आपको इस शेयर के बारे में सब कुछ पता होगा। ये कंपनी वनस्पति एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल्स के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, जिसका इस्तेमाल बेकरीज में बिस्किट्स, पॉप एंड पेस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 294 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 36 रुपीस है, जबकि इसकी हाई 69 रुपीस है, यानी ये स्टॉक अपनी हाई से 50% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी आरओसी 48.8% एंड आरओई 41.1% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 1.81 करोड़ रुपीस तक का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 17.7 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 18.4 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, यानी ये कंपनी जब चाहे अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसके डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 46.6% है। तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है एंड ये एक डेट फ्री स्टॉक भी है, इसलिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। ये कंपनी फेरो एलॉयस मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ साथ स्पंज आयरन, सीमेंट, पावर एंड टीएमटी रबर्स भी प्रोवाइड करती है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 497 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 22 रुपीस है। ये स्टॉक भी अपनी हाई से ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी पे करती है, इसकी डिविडेंड यील्ड 1.34% है, इसकी आरओसी 51.5% एंड आरओई 38.8% है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इस कंपनी के ऊपर 6.76 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 49.9 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 24.4 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी अपनी डेप्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसीलिए हम इसे डेप्ट टू फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसके डेट टू इक्विटी 0.04 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 51.9% है। तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑनलाइन ब्रोकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मार्जिन फंडिंग। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 1137 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 47 रुपीस है। ये स्टॉक भी अपनी हाई से ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी डिविडेंड यील्ड 6.32% है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसकी आरओसी 29.5% एंड आरओई 23.4% है, इससे भी अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 81.8 करोड़ रुपीस का डेप्ट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 121 करोड़ रुपीस है एंड
कंपनी के पास 63 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी अपनी डेब्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेब्ट टू फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डेट टू इक्विटी 0.12 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 56.2% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर है इंदोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी पॉलिस्टर एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 1542 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 59 रुपीस है। ये स्टॉक भी अपनी हाई से 30% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी ROC 33.9% एंड ROE 57.5% है, जिससे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 306 करोड़ रुपीस का डेब्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 245 करोड़ रुपीस है एंड कंपनी के पास 148 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी अपनी डेब्ट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसके डेट टू इक्विटी 0.48 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 75% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सिक्स्थ नंबर पर है कैल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ERP एंड IT सर्विसेज से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी अपनी ऑपरेशंस अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड एशिया के कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में करती है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 567 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 58 रुपीस है। ये स्टॉक भी अपनी हाई से बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी स्टॉक भी सिर्फ 8.12 है, जबकि इंडस्ट्री पी 33.5 है, यानी अभी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल बाकी है। इसकी ROC 16.8% एंड ROE 15.7% है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इस कंपनी के ऊपर 113 करोड़ रुपीस का डेट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 69.7 करोड़ रुपीस है। इसके डेट टू इक्विटी 0.22 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 57.2% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है एंड अभी ये स्टॉक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, इसीलिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेवेंथ नंबर पर है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 420 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 21 रुपीस है। ये स्टॉक भी अपनी हाई से 60% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है एंड इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक पी बहुत ही कम है। इसकी ROC 19.1% एंड ROE 22.8% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 360 करोड़ रुपीस का डेब्ट है, जो कि इस कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसकी डेट टू इक्विटी 1 से कम है, इस वजह से हमने इस स्टॉक को इस लिस्ट में शामिल किया है। इसकी डेट टू इक्विटी 0.98 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 69.7% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन डेट थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में एथ नंबर पर है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी शुगर प्रोडक्शन के बिजनेस में एंगेज्ड है। इसके अलावा लिकर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको एथेनॉल के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 408 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 43 रुपीस है। इसकी ROC 17% एंड ROE 15% है, जिसे कि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 128 करोड़ रुपीस का डेब्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 19 करोड़ रुपीस है। इसके डेट टू इक्विटी 0.59 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 71% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है एंड गवर्नमेंट भी एथेनॉल बनाने वाले कंपनीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इसीलिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में नाइन्थ नंबर पर है KM शुगर मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी शुगर, एथेनॉल एंड स्पिरिट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसकी मार्केट कैप 291 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 31 रुपीस है। इसकी ROC 15.2% एंड ROE 17.9% है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इस कंपनी के ऊपर 225 करोड़ रुपीस का डेब्ट है। इसकी नेट प्रॉफिट 19.2 करोड़ रुपीस है। इसकी डेट टू इक्विटी 0.88 है एंड प्रमोटर होल्डिंग 56.5% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट के लास्ट स्टॉक के बारे में बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हम आगे वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इसीलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो इस लिस्ट में लास्ट नंबर पर है पशुपति आक्राइलन लिमिटेड।
यह कंपनी एक्रेलिक फाइबर टो एंड टॉप्स एंड पीपीटी फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है। इसकी मार्केट कैप 304 करोड़ रुपीस है, करंट प्राइस 34 रुपीस है एंड सबसे इम्पोर्टेंट यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। इसकी ROC 25.3% एंड ROE 17.9% है जो कि बहुत अच्छा होता है। यह एक डेट फ्री स्टॉक है एंड इसमें प्रमोटर होल्डिंग 65.9% है, तो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपको दिल से थैंक यू सो मच।